हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एके सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यश ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे टेंस जिसमें आपको फ्यूचर इंडेफिनिट बताना है। चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। तो देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट तो इसकी पहचान की बातें करते हैं। पहचान तो देखिएगा, पहचान में जो है हमने बताया था जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, इसमें किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? ता था, ती थी, ते थे, या ई, ये आ गया। फ्यूचर में अगर बात करते हैं तो फ्यूचर में क्या होता है? क्या ता होगा, ती होगी, ते होंगे, लेकिन 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 ये कहीं दिखता नहीं आपको। रियल वास्तविकता जो है वो सेंटेंस में कहीं दिखता नहीं ऐसा, सीधे आएगा होगा, होगी, होगे, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ठीक है। इतना चीजें ये आ सकती हैं, या इसी के साथ मतलब आ गया तब के लिए बता रहे हैं, ठीक है। और गा, गी, गे, ये चीजें आती हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो है हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा विल होगा, विल होगा और शैल होगा, ठीक है। और विल किसके साथ लगेगा, शैल किसके साथ लगेगा? तो आई और वी के साथ, ठीक है, आई और वी के साथ शैल लगेगा, और बाकी से साथ हमें क्या लगाना है? विल लगाना है, ठीक है। अब वर्ब की फॉर्म की बात करें, वर्ब का फॉर्म जो लगेगा वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये क्या होने वाला है? सबसे मज़ेदार टेंस होने वाला है, क्लियर। चलिए अब हम बातें करते हैं अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव की बातें करते हैं तो देखिएगा रूल की हम बातें करेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव रूल, ठीक, तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी। इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल बातें करते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं, देखिएगा आपका है तुम एक किताब पढ़ोगे, तुम एक किताब पढ़ोगे, ठीक है, ये चीज़ें आ गई। तो देखिए क्या करा, तुम एक किताब पढ़ोगे, ठीक है। तो इसके लिए देखिएगा गा गी गे आ गया लास्ट में, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अफर्मेटिव कैसे पता चला? क्योंकि ये हमें नहीं, क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सब चीज़ें नहीं लगी हुई हैं, इसलिए क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्लियर। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? यू सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आई और वी के साथ हमें क्या लगाना है? शैल लगाना है, बाकी सब क्या लगाना है? विल लगाना है। तो क्या हो जाएगा? विल, यू विल। अब क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म? तो रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना होता है, रीड। क्या हो जाएगा? बुक, यू विल रीड बुक, ठीक है, क्लियर। समझ में आ रही बात है? जैसे एक एग्जांपल और देखना चाहेंगे तो एग्जांपल देख लीजिएगा, हम कल विद्यालय, सॉरी, हम कल स्कूल जाएंगे, हम कल स्कूल जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या होगा? वी सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए वी के साथ हमने क्या बताया था? शैल बताया था, तो जाएगा शैल, वी शैल क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, ठीक है, वी शैल गो, ठीक। अब देखिएगा कहाँ? स्कूल, तो क्या हो जाएगा? स्कूल,
स्कूल। अब देखिएगा, अब फिर यहाँ पे कल की बातें कर रहा है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, कल कैसे लगेगा, एस्टरडे होगा कि टुमारो होगा, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर है, ठीक ना, आने वाला है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा क्या करेंगे, टुमारो यूज करेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा यहीं पे, टुमारो। ठीक ना, क्लियर, यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसी तरीके से हम देखते हैं नेगेटिव के लिए, नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे अब। आइए रूल की बातें करते हैं, तो रूल क्या हो जाएगा, सब कुछ वहीं क्या रहेगा, ठीक है। रूल तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी। ये क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। चलिए अब बनाते हैं, ट्रांसलेशन देखेंगे, ठीक है। कह रहा है लड़के दिन में नहीं खाएंगे, ठीक। लड़के दिन में नहीं खाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिएगा रूल सब्जेक्ट है पहले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बॉयज हो जाएगा, बॉयज। अब लड़के हैं क्योंकि आई और वी के अलावा हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, विल लगाएंगे, विल नॉट ईट। अब दिन में, तो मे के लिए इन लगा देंगे, और क्या हो जाएगा, दिन के लिए डे, ठीक। यानी बॉयज विल नॉट ईट इन अ डे, ठीक है, पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। अब इसी तरीके से हम इसी सेंटेंस को हम क्या करना चाहें, अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहें, तो नेगेटिव के लिए देखिएगा, हम इस नॉट को हटा देंगे और इस हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, सॉरी इंट्रोगेटिव में बात कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नॉट को हटा देंगे और हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे, तो रूल क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो देखिएगा अब इसी को हम क्या कर दें, सेंटेंस अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, क्या लड़के दिन में खाएंगे, क्या लड़के दिन में खाएंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे क्या है, लड़के, इसलिए क्या हो जाएगा, यही विल केवल आगे कर दीजिए, नॉट हटा दीजिए, बाकी सेंटेंस वही है, विल, ठीक। अब क्या हो जाएगा, बॉयज, ठीक, बॉयज, देखिए विल को हमने पहले किया, बॉयज लिख दिया, फिर उसके बाद नॉट हटा देना है, ईट ईट इन डे, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में अगर आपको क्या करना है, नेगेटिव वाले बनाने हैं, तो नेगेटिव वाले में भी सेम कंडीशन हो जाएगा, जैसे एग्जांपल करें, क्या लड़के दिन में नहीं खाएंगे, क्या लड़के दिन में नहीं खाएंगे, ठीक ना, ये चीज़ हो गई। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा सेम कंडीशन, इसी में केवल नॉट लगा देंगे यहाँ पे वर्ब से पहले, ठीक है, विल, देखिए सब कुछ वही लिख रहा है, सब कुछ, बॉयज नॉट ऐड किया, बाकी सब कुछ हो गया ईट इन डे, ठीक है। कुछ लोग जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन द डे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्या विल, यहाँ पे विल बॉयज नॉट ईट इन द डे, ठीक, ऐसा भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। इस तरीके से देखा आपने कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्लियर हुआ। चलिए आइए इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव समझते हैं, उसको कैसे करेंगे उसको देखेंगे, आइए चलिए देखते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक।
ये चीज़ें। अब देखिएगा सेकेंड टाइम इंटोगेटिव के रूल है जो है ये अफर्मेटिव का है, ठीक है। रूल जो होगा इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी सी प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। ऐसे ही अगर नेगेटिव का लिखना हो तो सब कुछ हो जाएगा वही, क्या कर देंगे यहाँ पे। लेकिन पहले आइए एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है। देखिएगा किसान ठीक है बाजार कब जाएगा, किसान बाजार कब जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखिएगा ट्रांसलेशन करते हैं तो देखिएगा ये कब जो है आपका इंग्लिश आप क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो वेन हो जाता है इसका लिए वेन। अब हेल्पिंग वर्ब तो किसान के अनुसार क्या हो जाएगा विल हो जाएगा विल, ठीक। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे किसान हो जाएगा किसान। वर्ब ठीक ना यानी गो। फिर क्या है ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है बाजार मार्केट, ठीक ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये सेंटेंस थोड़े से अधूरे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कहाँ को जाएगा तो यहाँ पे बाजार को जाएगा तो यहाँ पे लगा देंगे टू, ठीक है। यानी अब देखिए ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा यानी वेन विल किसान गो टू मार्केट, ठीक है। क्लियर हो पा रही बातें। अब देखिए इसी को नेगेटिव में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम सब कुछ वही रखेंगे। रूल देखिएगा रूल देखिए ठीक तो क्या होगा इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सही है ये सही है सही नहीं है जो मेन था वो तो छोड़ दिया आपने, ठीक है। सब कुछ वही है तो यहाँ क्या हो जाएगा वर्ब से पहले क्या हो जाएगा यहीं पे नॉट ऐड हो जाएगा, ठीक है। प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाए। जैसे देखिएगा कि हम एक एग्जांपल देखना चाहेंगे अगल दूसरा तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा, क्या है देखिएगा तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा, ठीक ना। क्लियर हो पा रही बातें, ये क्लियर हुआ तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा। चलिए ट्रांसलेशन करते हैं। देखें इंग्लिश आप क्वेश्चन मार्क वर्ड तो यहाँ पे कौन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हु मिस कौन, ठीक। हु विल और विल कहाँ से आ गया देखिएगा हेल्पिंग वर्ड। फिर सब्जेक्ट कहाँ हो गया तुम्हारे पुत्र, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा योर और क्या हो जाएगा सन, ठीक ना। अब देखिएगा ये हो गया सब्जेक्ट हो गया फिर उसके बाद अरे अरे यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना तुम्हारे पुत्र को कौन नहीं पीटेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ हु विल योर सन नॉट बीट, ठीक है। क्लियर। इस तरीके से आपने देखा पे बच्चे कि आपने जो है फ्यूचर इंडेफिनिट के सारे रूल्स ट्रांसलेशन कैसे करना उसको देख लिया। अब थोड़े से रिक्वेस्ट ये है आपसे कि जितने भी टेंस बताया जा रहा है किसी एक टेंस का रूल आप अच्छे से अगर तैयार कर ले रहे हो तो सारे टेंस के रूल ऑटोमेटिक आपके तैयार हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अधिक से अधिक ज़रूरतमंद तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें ताकि हमारे जो है पढ़ाने का जो है और सिस्टम जो है बढ़ाया जा सके। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।